हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज पंजवानी एंड आज आपको मैं इंस्टॉलेशन गाइड बताऊंगा पाइथन जेंगो पे बने हुए प्रोजेक्ट जिसका नाम है हेल्थ मॉनिटरिंग मैनेजमेंट सिस्टम। इससे पहले हमने इंस्टॉलेशन गाइड देखा था आरटीओ मैनेजमेंट सिस्टम का। तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इनका डेमो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे या फिर मेरे फेसबुक पेज पे मिल जाएगा। फेसबुक पेज का नाम है पंजवानी सॉफ्टवेयर्स। ओके, तो मैं आपको इसको सेटअप करना बताता हूँ। जब मैं आपको प्रोजेक्ट प्रोवाइड करता हूँ तो जिप फाइल के फॉर्म में आपको मैं देता हूँ, तो आपको क्या करना होता है, इस जिप फाइल को अनजिप करना होता है। तो उसके लिए आप इसको राइट क्लिक करेंगे एंड या तो आप एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक करेंगे, बट अगर आपके सिस्टम में विनरार नहीं होगा तो एक्सट्रैक्ट हियर का ऑप्शन नहीं आएगा। उस केस में आपको एक्सट्रैक्ट ऑल करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके सिस्टम में विनरार नहीं है तो आपके पास ये ऑप्शंस नहीं आएंगे, आप एक्सट्रैक्ट ऑल करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक किया एंड उसके बाद मुझे क्या करना है, ये जो फाइल का नाम है वो यहाँ पे एज अ फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, तो वो मुझे नहीं करना है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो फाइल का नाम यहाँ पे आया था उसको यहां से हटा दूंगा एंड उसके बाद एक्सट्रैक्ट करूंगा। तो इससे क्या होगा, मेरे पास एक एक्स्ट्रा फोल्डर क्रिएट नहीं होगा, मतलब एक ही फोल्डर आएगा। और अगर मैं उस नाम को नहीं हटाता तो फोल्डर आता, ये जो फोल्डर है उसके अंदर एक और इसी नाम का फोल्डर आ जाता। ठीक है, तो ऐसा ना हो तो आपको ये जो फाइल का नाम अज अ फोल्डर क्रिएट हो रहा था उसको आपको हटा देना है। अब इसको हमें पूरा एक्सट्रैक्ट होने देना है, मतलब इसको पूरा अनजिप होना है। एंड जब तक ये अनजिप होता है मैं आपको बता देता हूँ, पाइथन जेंगो के प्रोजेक्ट को रन करने के लिए आपके सिस्टम में पाइथन होना चाहिए, जेंगो होना चाहिए एंड पाइचाम होना चाहिए। तो कैसे पाइथन इंस्टॉल करते हैं, जेंगो कैसे इंस्टॉल करते हैं एंड पाइचाम या वीएस कोड कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो ये सारे वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। जैसे आपको सबसे पहले पाइथन इंस्टॉल करना है तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं इंस्टॉल पाइथन। तो पाइथन इंस्टॉलेशन का पूरा जो गाइड है वो मैंने इस वीडियो में दिया हुआ है। ठीक है, सिंपल है, जस्ट आपको बस एक ध्यान रखना है कि जब आप इंस्टॉल करते हैं तो पाथ सेट करने के लिए आपको एक चेकबॉक्स पे टिक लगाना होता है। ठीक है, तो ये वीडियो आप अगर रेफर करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। एंड उसके अलावा अगर आपको जेंगो इंस्टॉल करना है तो आप उसके लिए भी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, हाउ टू इंस्टॉल जेंगो एंड पाइथन। जेंगो के अलावा आप वीएस कोड या फिर पाइचाम का यूज करेंगे, तो पाइचाम कैसे इंस्टॉल करेंगे उसका भी वीडियो मिलेगा एंड वीएस कोड के लिए भी मैंने वीडियो डाला हुआ है। ठीक है, ये आ गया हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल पाइचाम। ठीक है, अब देखते हैं ये कितना एक्सट्रैक्ट हुआ है, 38%। ठीक है, तो ये पूरा एक्सट्रैक्ट हो जाए फिर हम इसको रन करते हैं। वीएस कोड कैसे इंस्टॉल करना है उसका भी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिलेगा। ठीक है, मैंने अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है वीएस कोड पे आप प्रोजेक्ट को कैसे रन कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉलेशन भी बताया हुआ है। तो सभी प्रोजेक्ट्स के मैं यहाँ पे इंस्टॉलेशन गाइड भी धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ। वैसे सबका सेम ही होता है लगभग, जो भी जेंगो के प्रोजेक्ट्स हैं उनको रन करने का जो प्रोसीजर है वो सेम ही है, बट फिर भी कई सारे लोग डिमांड करते हैं कि इसको कैसे रन करना है, इसको कैसे रन करना है, इसीलिए मैंने कई सारे प्रोजेक्ट्स के अलग अलग सेटअप करने का वीडियो बनाते जा रहा हूँ। एंड अगर आपका कोई ऑन डिमांड प्रोजेक्ट है तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप देखना यहाँ पे ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है, तो जैसे जैसे ये एक्सट्रैक्ट होते जाएगा इसके अंदर ये सारी फाइल्स आती जाएंगी।
ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट का फोल्डर है एंड उसके अंदर ये हमारा सब फोल्डर है। ठीक है, मतलब ये जो हमारा सब फोल्डर होता है हेल्थ एप नाम का, ये हमारा एप होता है। ठीक है, कुछ भी नाम हो सकता है, यहाँ पे मैंने एप इसको बनाया है एंड ये हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर है। एंड जो डेटाबेस की फाइल है वो है db.sqlite। db.sqlite फाइल को कैसे आप ओपन करके उसके अंदर के टेबल्स देख सकते हैं, उसके लिए भी मेरा एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप सर्च कर सकते हैं यहाँ पे एसक्यूलाइट टेबल्स। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता है कि जो एसक्यूलाइट की फाइल है उसको कैसे ओपन करके उसके अंदर के हम टेबल्स देख सकते हैं, क्वेरी को कैसे फायर कर सकते हैं, मतलब इंसर्ट अपडेट डिलीट की हमें क्वेरी अप्लाई करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो वो इसमें मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये पूरी तरीके से एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब मैं आपको इसको पाइचाम के थ्रू रन करना बताता हूँ, तो मुझे पाइचाम ओपन कर लेना है। ठीक है, ये पाइचाम का कम्युनिटी वर्जन एडिशन है, तो आप कम्युनिटी एडिशन यूज करें जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ठीक है, पाइचाम यहाँ पे ओपन हो गया। अब हमें अपने प्रोजेक्ट फोल्डर को ओपन करना है जो हमने एक्सट्रैक्ट किया था, तो फाइल में जाके आपको ओपन पे क्लिक करना है एंड आपको देखना पड़ेगा प्रोजेक्ट का फोल्डर आपका कहाँ पे है। तो मेरा डी ड्राइव के अंदर था, तो मैं डी के अंदर जाऊँगा एंड मेरे प्रोजेक्ट फोल्डर का जो नाम था वो यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो एक बार मुझे रिफ्रेश कर लेना चाहिए। ठीक है, अभी भी नहीं आ रहा, एक बार फिर से मैंने यहाँ पे ओपन पे क्लिक किया, ये आ गया हेल्थ मॉनिटरिंग मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया फोल्डर को, ओके कर लिया, ट्रस्ट पे क्लिक किया एंड दिस विंडो। ठीक है, तो ये फोल्डर यहाँ पे ओपन हो चुका है, उसके अंदर ये सारी फाइल्स वगैरह भी हैं। टर्मिनल पे जाते हैं, अब इसको रन करना है तो हमें कमांड लिखना रहता है पाइथन मैनेज .py रन सर्वर। ठीक है, इस कमांड को लिख के जब आप एंटर करोगे तो जेंगो का जो सर्वर होता है वो स्टार्ट हो जाता है एंड सर्वर जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास ये एड्रेस आ जाएगा, इस एड्रेस पे हमें क्लिक करना है एंड हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे रन हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट का पूरा फुल डेमो अगर आपको देखना है तो आप मेरे वेबसाइट पे जा सकते हैं या फिर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।